सदगुरु कीजिए कैसा जो जीव तडार मार ऐसा सदगुरु कीजिए जो जीव तडार मार और जन्म जन्म की वासना काकों देवे जान जा मरने से जग डरे और मेरे मन आनंद और मरने से ही पाइए सुपूर्ण परमानंद बोल जयकारा बोल सुर महाराज की तो पूरा सदगुरु ना मिला रही अधूरी सीख और दर दर मांगे जब पूरा सदगुरु मिल जाता है तो उसे मांगने की कोई जरूरत नहीं पड़ती बिना मांगे ही उसके पास सारी चीजें आ जाती हैं बोल जय कर बोल मेरे सदगुरु महाराज की जय भजन में कहते हैं क्या कहते हैं ये कबीर साहब ने भजन में क्या कहा है उसे आप और से सुने ये भजन कौन से क्लास का है वो मैं आपको बता दूं ताकि हमारी आपकी बात समझ में आए देखिए तीन क्लास है क्षर अक्षर निरक्षर तो क्षर कहते हैं जो मुख से जिब्बा वाणी से कोई नाम मंत्र बोलते हैं और बहिरंग साधना करते हैं बाहर की साधना वो क्षर होता है अक्षर उसे कहते हैं जो तुम्हारे अंदर में है जो अविनाशी है जो शाश्वत है जो शुद्ध है शरीर के मर जाने के बाद भी वो नहीं मरता है वो साक्षात ऐसा और तीसरा है निरक्षर निरक्षर उसे कहते हैं जो सर्वव्यापी शब्द है ये सतलोक का शब्द है सतलोक से आता है और जीव को सतलोक में ही ले जाता है और अक्षर का अजबा का अभ्यास करने से जीव ब्रह्मा विष्णु महेश के लोकों में जाता है और जपने से जीव जो है गंधर्व लोक पितृ लोक स्वर्ग लोक आदि लोकों में जाता है और सार शब्द का अनुभव करने से सार शब्द उन्हें सत्य लोक के ऊपर अलग लोक अगम लोक अनामी धाम में ले जाता है बोल जय तारा बोल मेरे सिंधु महाराज की जय भजन में कहते हैं क्या कहते हैं संतो भाई सो सदगुर मोहे भान संतो भाई सो सदगुर मोहे भान ये नेचर शब्द का प्रभाव से जो स्थिति बनती है उसका ये भजन है जो स्थिति अष्टावक्र की थी अष्टावक्र ने ये ज्ञान जनक को दिया था जनक ने ये ज्ञान सुखदेव परमहंस को दिया था तो ये परमहंस क्लास का भजन है इसे सुने और समझे जो आ
और क्या कहते हैं भजन के पहले अंतराल में साधक की क्या स्थिति है और जो नेचर नाम है उसकी क्या स्थिति है उसको समझे झूलत दिगहे न भूलत पुष्पर अस उपदेश सतनामे लोगों का ध्यान चाहूंगा
ऐसी नूरी बतावे
ترجمة نانسي قنقر.